तो यहाँ पे मेरे ज़रूरी सामान, एक पेंसिल, एक स्केल और एक ये चाकू भी रखा है मैंने छोटा सा, और बस इसी से कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या बन पाता है मेरे से या नहीं। अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, और यह है मैप। मैप नहीं, मतलब डिज़ाइन कह सकते हो। ये एक प्यारा सा डिज़ाइन मैंने बनाया है, और यहाँ पे चार लाइन है, चार लाइन के ऊपर यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक मतलब बॉक्स बनाया मैंने चार बॉक्स के ऊपर, फिर यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, इसके साइड में दोनों ट्रायंगल बनाया, फिर इसके साइड में ट्रायंगल बनाया, और यहाँ पे अलग से फोल्ड करने के लिए। अब इसका मैं क्या बनाने वाला हूँ वो तो पता चल ही जाएगा, पता चल ही गया होगा। इसका मैं क्यूब बनाने वाला हूँ, और देखते हैं कैसा बनता है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा ये क्यूब बनके तैयार हो चुका है। और इस क्यूब की स्पेशलिटी क्या है पता है? ये जो क्यूब मैंने बनाया है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका जो साइज़ है, मतलब साइड का साइज़ होता है ना, साइड का जो साइज़ होता है वो इसके इस हाफ जो सेमी स्फीयर है हमारा अर्ध गोले के व्यास के बराबर है। यानी कि इसको इस पे रखते हैं तो चारों व्यास इसको कवर कर लेता है। अब थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर जो होता है, हमारे बनाने में त्रुटि हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी मैंने अपने हिसाब से परफेक्ट बनाया है, और इसी साइज़ में मुझे अभी और भी कुछ बनाना है। पेपर है मेरे पास, मैं बनाऊंगा, दिखाऊंगा। फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सब मैंने बना लिया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, दिखा देता हूँ लाइन से। ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का ये सर्कल, और सेम साइज़ में मैंने एक क्यूब भी बना रखा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। और साइज़ सेम से मेरा मतलब है कि हाइट भी उतना ही हाइट, उतना ही इसका सब कुछ। उसके बाद ये जो कोन बनाया मैंने ये भी उसी हाइट में है, देख सकते हो आप लोग, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर एकदम सेम। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर भी बनाया, एक बेलन भी बनाया है, वो भी सेम हाइट का ही है और सेम डायमीटर का ही है। तो अब इसका, इससे मैं एक्सप्लेन क्या करने वाला हूँ, इससे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वॉल्यूम, आयतन का कॉन्सेप्ट। कि आयतन अक्सर बच्चों को कोन का से मतलब कि शंकु का आयतन भूल जाते हैं, बेलन का आयतन भूल जाते हैं बच्चे, तो इसके थ्रू मैं समझाऊंगा। और मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि अगर हिम्मत होना तो फिर भूल के दिखाना उसको तुम लोग। तो वो जो वीडियो है वो आने वाला है द व्हाइट बोर्ड चैनल पे, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना देखने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरे सामान जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे हैं ये कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हो। देखो बच्चों कुछ लाए थे, ये देख रहे हो क्या चीज़ है, ये आयत, आयत है। नहीं ध्यान से देखो, ऐसे तो ये आयत है लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये एक घनाब है। नहीं। हाँ बिल्कुल, इसकी लंबाई है सर, वो नहीं, चौड़ाई है, और थोड़ी सी मोटाई 0.1 mm ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ मोटाई है। तो ये हमारा एक घनाब है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसको, ये मोटाई इतनी ज़्यादा कम है कि इसको एक आयत के रूप में यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको आयत मान के चलेंगे। अब जब आयत है हमारे पास तो एक इसी तरह का एक छोटा सा वृत्त भी है, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, और एक छोटा सा वर्ग भी है। ये हमारा वर्ग स्क्वायर, सब हम खुद से बनाया, मेहनत से बनाया। अब तुम लोग सोचोगे छोटा छोटा सा क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बॉल था जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन तुम लोगों के लिए इसको हम काट दिए, ठीक है। तो बीच से काटने के बाद इसका, अब ये जो बॉल था ये एक गोला था जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे वीडियो में करने के, अब वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तुम लोग को यहाँ पे बुलाए थे ताकि तुम लोग को आयतन समझ में आ जाए, आयतन याद भी हो जाए, याद करना आसान हो जाए, और इसके बाद शायद तुम लोग भूलोगे भी नहीं, ठीक है। कैसे नहीं भूलोगे, वही इस वीडियो में डिस्कस होने वाला, मतलब इस क्लास में डिस्कस होने वाला है। तो चलो देखते हैं, समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे एक इसी साइज़ का देखो, अब ये सब छोटा छोटा बनाने का रीज़न हम बता देते हैं कि इसका जितना व्यास था, इसका जितना व्यास था, इसका जितना इसका डायमीटर था,
उतना ही व्यास में हम उतने ही ऊंचाई का सब कुछ मान के बनाए थे, इसलिए ये छोटा सा है। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें हैं मेरे पास। ये घनाभ है, इसको एज अ क्यूबॉइड यूज़ करेंगे घनाभ के रूप में। और इसके अंदर में दो चीज़ें और हैं, क्योंकि बॉक्स में जगह लिमिटेड था। तो ये हमारा बेलन है, सिलेंडर, और ये शंकु है। नोटिस करोगे ध्यान से तो तुम लोग ये पाओगे कि इसका जो हाइट है इसी के बराबर है, और इसका जो व्यास है इसी के बराबर है, और इस सब कुछ जो बनाया गया है वो इस बॉल के आधार पे बनाया गया है। क्योंकि मैं मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।